अच्छी और इनके नेविगेटर हैं फराज अहमद तमाम सख्त ट्रैक सीधा ट्रैक लेकिन सारा हैंडलिंग गाड़ी भी माशाल्लाह जबरदस्त है। आप अपना एजाज का दिफा कर सकेंगे आप क्या लगता है? कोशिश करें अल्लाह के हाथ ठीक है। प्लीज एक मिनट रैली को भी देख चुके हैं उसके भी बड़े नामवर सितारे हैं ये लोग और मैं जो कि भागलपुर का डिप्टी कमिश्नर रह चुका हूँ और मैंने वो दोनों उस रैली को इस रैली से आपको भी क्रिएटिव हैं वहाँ पर रुकते हैं रात को रात के साथ की आती है नेक्स्ट ईयर में फेस्टिवल क्रिएट करेंगे लोग यहाँ पर जाने वाले रहने वाले सुन रहे हैं एक आपके शहर को बहुत से लोग नाम तो सुन रहे हैं जानते नहीं हैं पूरे पाकिस्तान में तो ये इसके हवाले से भी जाने से आज के फ़रोग मिले हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इस पर इवेंट्स होते हैं तो फिर बाहर से लोग मेहमान
تشریف لاتے ہیں، اس طرح وہ آپ کے شہر کو دیکھ سردار عمر خان اینڈ دا فوکل پرسن ویری ایکسپیرئنس پرسن ملک عطا الحق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ جی بہت شکریہ اور اب ہمارا آج کا وہ مرحلہ جس کا پلیز ندیم خان صاحب جو ہیں انہیں ملک کی ٹرافی جو ہے ریسیو کر رہے ہیں فرسٹ پوزیشن ہماری سب کے عزیز کشنا پٹیل سیکنڈ ایک گھنٹہ 38 منٹ 39 سیکنڈ رہا ہے اور اس کے ساتھ ان کے سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ آپ لوگوں کی پوزیشن ہوتی ہے اور یہ شیلڈز ہمارے جو ونرز ہیں انہیں ان میں تقسیم کریں اور میں ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے فوٹوگرافر اور ویڈیو کے راستے کو کائنڈلی نام ہے ان کو آسانی ہوگی اس کو اٹینڈ دیکھنے کے لیے جی جناب تو ڈی اسٹاک میں اس سے ہمارا حوصلہ افزائی بڑھے گا
क्योंकि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स को सपोर्ट मिले खासतौर गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस किस्म के ऑफिसर्स जाके हमारे KECC के जितने भी यहाँ पर हैं हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। और खासतौर पर टॉकिंग अबाउट थल की ये थर्ड रैली है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपके सामने 24 साल भी है, झल भी है, पर इधर का जो ट्रैक है हमारा फेवरेट ट्रैक है, और उसके बावजूद इस दफा तीसरी रैली में हमने देखा अपनी आँखों को साथ पहले नहीं था, पहले साल में था, दूसरे साल में था, इस साल जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ पे स्टेज ब्रेक है, रस्ते में भी लोग हमको देख के हमको जाते हैं, और हम लोग हमारी हौसला अफजाई है, हम आते हैं लोगों के लिए, और इस एरिया को मैप पे डाले के लिए, जैसे हमारे DC साहब ने बताया, नेशनली इंटरनेशनली हर कोई डेवलप नहीं जा सकता, ये स्पोर्ट्स के थ्रू ही है, ये फैसिलिटेट करते हैं, खासतौर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन एरियाज को आप दिखाते हैं, मैं तो समझ गई एरियाज डेवलप होते हैं इस तरीके से जमा किया, और फिर भी आप सबका और खासतौर ड्राइवर्स का, ये इनके बगैर ये हो नहीं सकता है, तो ये अपना टाइम एफर्ट पैसा खर्च करके इधर आते हैं, और इलाकों को इलाके में आकर ये खेल खेलते हैं, डेंजरस खेल है, पर सब वो भी काम होता है पब्लिक के लिए और इधर की आवाज़ के लिए, मैं फिर भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी जो सपोर्ट मिली है, हौसला अफजाई मिली है, थैंक यू। आसमान पर खूबसूरत नज़ारा आपका मुंतजिर है, आतिश बाजी का इस्तेमाल किया गया, फायर वेटिंग फॉर यू, आप स्क्रीन के बाद वहाँ पे बाहर आतिश बाजी का दिल।